बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बिरयानी बनाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। चावलों को 2 घंटे के लिए मैंने सोख किया था पानी में। अब मैंने 2 ग्लास चावल लिए थे, 7 ग्लास पानी में मैं इसको शामिल कर दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में ये कुछ स्पाइसेस हैं, ये ऐड कर देंगे। ज़ीरा पाउडर है, दालचीनी है और साथ में लौंग है। अब हम इसमें एक कनौर चिकन क्यूब डालेंगे। अगर आपके पास कनौर चिकन क्यूब नहीं है तो आप 1.5 टेबल स्पून इसमें चिकन पाउडर का ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें 1.5 टेबल स्पून ऑफ विनेगर ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हमने इसमें ऑयल डाला है और सॉल्ट आप इतना डालें जितना कि आपको पसंद है। इसको आपने अच्छे से मिक्स करना है और बॉयल होने के लिए रख देना है। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। चिकन में हमने ड्रमस्टिक्स लिए हैं, इसको मैंने थोड़े थोड़े कट्स लगा दिए हैं। अब हम इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे, 1.5 टेबल स्पून। साथ में कुछ स्पाइसेस हैं जिसमें है हल्दी पाउडर, ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला पाउडर और दालचीनी और लौंग। अब हमने इसमें सिरका डाला है, 1.5 टेबल स्पून, और सॉल्ट जितना आपको पसंद है उतना डाल दें। अब हम इसमें बिरयानी मसाला ऐड करेंगे। मैं शान बिरयानी मसाला यूज़ कर रही हूँ। हमने 5 टीस्पून इसमें डाले हैं। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से ताकि जो मसाला है इसके जो कट्स लगे हैं इसके अंदर तक चला जाए। अब हम 20 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देंगे। आफ्टर 20 मिनट्स आपने ऑयल डालना है पैन में। तकरीबन 5 to 6 टेबल स्पून ऑयल होगा। अब हम इसमें जो स्लाइस्ड अनियन है वो ऐड करेंगे। एक मीडियम साइज़ का अनियन हमने लिया है, दरमियाने साइज़ का, और उसको हमने पतला पतला काट लिया है। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब आपने इसमें बटर डालना है। मैं सॉल्टेड बटर यूज़ कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून। अब हम ये मैरिनेटेड चिकन जो है इसमें ऐड कर देंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसको मिक्स करेंगे। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा तब हम इसमें टोमेटो जो पेस्ट है उसको ऐड करेंगे। 4 मीडियम साइज़ के टोमेटोज़ मैंने लिए और उसको मैंने ब्लेंडर में ब्लेंड कर लिया। अब हम इसको बस मिक्स करेंगे। 15 मिनट्स के लिए कुक करना है। साथ में हमारे चावल तैयार हो रहे हैं, उसको भी हम चेक कर लेते हैं। जब आप चावलों को सोक करते हैं वो बहुत ही मज़े के बिल्कुल अलग अलग चावल रहते हैं। 15 मिनट हो चुके हैं। अब हम चिकन को चेक करेंगे। चावल हमारे पहले ही रेडी हो चुके हैं, उसको आपने छान लेना है चावलों को। अब हम इसको मिक्स करेंगे। इसका पानी जो है वो बस ख़त्म हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो चुका है। थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। जब इसका पानी जो है वो फुली ड्राई होना स्टार्ट हो जाएगा और इसका ऑयल निकलना स्टार्ट होगा तब हम इसमें बॉइल्ड पोटैटोज ऐड करेंगे, यानी उबले हुए आलू ऐड करेंगे इसमें हम। 2 मीडियम साइज़ के आलू थे जिनको मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था, यानी उबाल लिया था। अब हमने उसको ऐड कर दिया है। अब मज़ीद हम 2 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। अब हमने एक जिस पतीले में हमने चावलों को पकाया था उसी पतीले में हमने इसको डाल दिया है, इसकी लेयर लगा दी है। अब हम इसके ऊपर ग्रीन कोरिएंडर यानी हरा धनिया डाल देंगे। चाहे तो आप कड़ी में भी डाल सकते थे जब आप चिकन बना रहे हों, मैं इस तरह से डालती हूँ।
अब हमने उबले हुए चावल डालने हैं इसमें। आपने अच्छे से इसकी एक लेयर लगा देनी है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा बिरयानी मसाला ऐड करेंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून। अब एल्युमिनियम फॉइल से हम इसको कवर कर लेंगे। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल नहीं है तो आप किसी भी दस्तरखान वगैरह से इसको कवर कर सकते हैं। अब हमने इसको छोड़ देना है 20 मिनट के लिए, बहुत ही हल्के आंच पे। 20 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे चावल कैसे बन के तैयार हुए हैं। हमने बस फॉइल को रिमूव करना है। माशाल्लाह, बहुत ही मज़े के बने हैं। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी। उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी और आपको पसंद भी आई होगी। अगर पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।